हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आज पढ़ेंगे 12th क्लास चैप्टर नंबर 5 आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की, क्योंकि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको प्रीवियस क्लास में नॉलेज है आपको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जोर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है, टर्म जेनेटिक्स जो दी थी किसने दी थी, विलियम विट्सन ने दी थी 1906 में, यानी कि 1906 में 1906 में दी थी। तो इन्होंने जेनेटिक्स जो वर्ड है, यानी जेनेटिक्स इज द ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जो भी वंशागति और विविधताएं होती हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस होती हैं, उनके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में बताया जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स जो ब्रांच है उसमें बताते हैं। तो टर्म जो जेनेटिक्स की वाज फर्स्ट यूज करी गई थी विलियम विट्सन द्वारा करी गई थी। और जो जेनेटिक वर्ड है, तो जेनेटिक वर्ड तो इट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है जेन, और इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टू ग्रो इन टू। ठीक है, इसका ये क्या है, ग्रीक वर्ड है जेन। ये कैसा है स्टूडेंट, ग्रीक वर्ड होते हैं। बायोलॉजी में आपको मैक्सिमम ग्रीक वर्ड मिलेंगे। ठीक है, यानी कि देयरफॉर जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ कमिंग इन टू विंग। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच है ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो इन डील्स विद द प्रिंसिपल दैट गवर्न द ओरिजिन ऑफ बर्थ ऑफ अ लिविंग बींग, बोथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स बाज किसका है, ग्रेगर जॉन मेंडल का। किसका स्टैंड, ग्रेगर जॉन मेंडल का बहुत बड़ा योगदान है, ग्रेगर जोहन मेंडल। आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, ये क्या है आपके, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर बात करें डब्ल्यू जो विलियम वेटसन है, इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसी प्रकार से एक साइंटिस्ट हुए टी एच मॉर्गन, इज कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अगर बात करें टी एच मॉर्गन की, टी एच मॉर्गन, तो इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, फादर ऑफ। अगर एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम है ए गैरोड, तो ये हैं आपके फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ए गैरोड ये आपके फादर ऑफ, इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के बारे में मैंने बताया आपको। अब आपका वेरिएशन इनहेरिटेंस, यानी ऑफ स्प्रिंग आर नॉट द कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, जो वेरिएशंस होते हैं। इन फैक्ट नो टू ऑर्गेनिज्म आर एग्जैक्टली सिमिलर, कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, दे हैव सर्टेन रिमार्केबल डिफरेंसेस। तो दीज डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशन आते हैं, हर स्पीसीज में वेरिएशन आएंगे। तो वेरिएशंस इंक्लूड ऑल चेंजेस इन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर,
जो बिहेवियरल होता है करेक्टरिस्टिक आपका सेप है, साइज है, कलर है, रिलेटिव है, पोजिशन है, और बॉडी ऑर्गन्स एंड हैबिट सब में चेंजेस आता है, वो क्या कहलाती है हमारी वेरिएशन कहलाती है स्टूडेंट, क्या कहलाती है वेरिएशन कहलाती है। ठीक है, आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे स्टडी करेंगे हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, वन जीन इनहेरिटेंस के बारे में, अब मेंडल के लॉ हैं आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस हैं, लॉ ऑफ सेग्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हैं, कोडोमिनेंस हैं, इसी प्रकार से जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे स्टडी करेंगे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम इसमें स्टडी करेंगे किस प्रकार से ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, म्यूटेशन, जैसे म्यूटेशन की बात करें तो व्हाट इज द म्यूटेशन, यानी कि बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एकदम से क्विक चेंजेस आते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी, वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब वेरिएशन की बात कर रहे थे तो वेरिएशन हमने बताया कि वेरिएशन किस में हो सकते हैं, शेप में, साइज में, कलर में, वेरिएशंस आपके किस में हो सकते हैं आपके, यानी कि वेरिएशन किस में हो सकता है, इंक्लूड ऑल चेंजेस, वेरिएशन इंक्लूड ऑल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एंड बिहेवियर, करेक्टरिस्टिक्स, ये करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, आपके शेप साइज हैं, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स हैं, हैबिट हैं, ठीक, हैबिट्स हैं एक्सेट्रा। तो काइंड ऑफ वेरिएशन, अब काइंड ऑफ वेरिएशन, काइंड्स ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज द काइंड ऑफ वेरिएशन, यानी प्रोबेबिलिटी वेरिएशन आज टू टाइप्स के कर दिए गए हैं, कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, एक होता है हमारा सोमैटिक और एक होता है आपका सेकेंड जर्मिनल, जर्मिनल, ओके स्टूडेंट। अब सोमैटिक या सोमैटोजेनिक वेरिएशन, यानी कि दीज वेरिएशन आर कोज बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिक, जो आपका एनवायरनमेंट फैक्टर है वो इफेक्ट डालते हैं, तो दीज वेरिएशन कोज लोकल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड आर नॉन हेरिटेबल, ठीक है, तो दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, सोमैटिक होते ही नहीं है वन जनरेशन टू, ये तो क्या होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, फेवरेबल कंडीशन है, कंडीशन डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, तो सोमैटिक एनवायरनमेंट दीज आर कन्फर्म ओनली अप टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड लॉस्ट विद इन द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो दीज वेरिएशन डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल फ्रॉम जेनेटिकल एंड एनवायरमेंटरी पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा जर्मिनल स्टूडेंट्स, जर्मिनल जो होता है या ब्लास्टोजेनिक या जेनेटिकली वेरिएशन, अब ये क्या होते हैं जर्मिनल, जो जर्मिनल वेरिएशन होती हैं प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंजेस इन द जर्म प्लान ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपसे जर्म सेल्स पार्टिसिपेट करती है इन गैमेट प्रोडक्शन एंड देयर फ्यूजन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दीज वेरिएशन आर आल्सो कॉल्ड जेनेटिकल वेरिएशंस बिकॉज दे आर इनहेरिटेबल, एग्जांपल के रूप में पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, तो ओनली दीज वेरिएशंस आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इवोल्यूशन पे, जो आप कह सकते हो इवोल्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारे सोमैटिक और आपका सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ओके स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेरिडिटी ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट्स हम स्टडी करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।